सिंगरौली में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के साथ उसके परिचित लड़कों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोरवा थाना क्षेत्र के चतरी गांव के सुनसान जगह पर एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। किशोरी के परिचित लड़के संजय साकेत और विनोद साकेत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित लड़की ने अपने परिवारजनों को इस घटना की जानकारी दी और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। लड़की की निशानदेही के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में इन दोनों परिचित युवकों ने युवती का रास्ता रोका और सुनसान जगह पर ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिनांक 21/6 को शाम करीबन 6:30 बजे एक नाबालिग युवती अपने बाजार करके अपने गांव वापस आ रही थी। उसी के साथ में दो लोग और आ रहे थे, संजय साकेत और विनोद कुमार साकेत। ये दोनों बालिग हैं, एक की उम्र 23 साल, एक की 24 साल। इन लोगों ने चतरी रोड में इसको सड़क के किनारे झाड़ियों में ले जाके इसके साथ बलात्कार किया था बारी बारी से। हमने इस पर अपराध क्रमांक 278 दर्ज किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।